जो अपनी स्वेच्छा से फीडबैक दे याचिका कार्यक्रम में, आपका फीडबैक क्या रहा, तो वो हम सुनना चाहेंगे। कहते हैं कि सदियों से इतिहास चला आ रहा है और चलने वाला है। हमने किसी युग के बारे में सुना कि वो सतयुग था और वहाँ देवताएं निवास करते थे, वहाँ एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म था और लोग बहुत सुख चैन में रहते थे। तो ये बात काल्पनिक तो नहीं है ना? आपको क्या लगता है, ये काल्पनिक बात है कि रियलिटी है? रियलिटी हो गई है। परंतु अभी हकीकत क्या हुई कि कलयुग चल रहा है। तो सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया और अब कलयुग में हमारी यात्रा है। तो ये कल्प का अंतिम समय है और कलयुग के बाद स्वाभाविक है क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आना चाहिए? सतयुग आना चाहिए। रात के बाद दिन आना ये बहुत स्वाभाविक है। परंतु कलयुग व सतयुग उसकी पहचान किनके द्वारा होती है? मनुष्यों के द्वारा। जहां देवात्माएं रहते हैं वो स्वर्ग है और जहां दैत्य लोग रहते हैं वो नरक है। अब स्पिरिचुअल वेलबींग हम लोगों के लिए किसको कहा है? बहुत सिंपल डेफिनेशन में मैं इतना सुनाना चाहती हूं, मनुष्य में ही मानव, दानव, देव, योगी ऐसी प्रकृति के लोग इस समय भी मौजूद हैं। इस समय भी ये चारों ही प्रकृति वाले लोग मौजूद हैं, सभी एक जैसे नहीं है। दानव किसको कहते हैं? जिनकी मनोवृत्ति में है कि मेरा तो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा। तो इस सिंपल डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल वेलबींग माने क्या। मानव अपनी मनोवृत्ति को देवत्व की ओर ले जाए, यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 7 दिन का बेसिक कोर्स होता है, जिसको करने के बाद, जिसको जानने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि दुनिया भर में जो कुछ जानना चाहिए, जो कुछ समझना चाहिए वो हमने समझ लिया। और अगर उस पर चलने का पुरुषार्थ कर दिया और सफलतापूर्वक चल पाए तो आपका ये अनुभव रहेगा कि पाना था जीवन में वो पा लिया। तो लाइफ के अंदर पूर्ण सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा और मनुष्य जीवन है इसलिए। संतोषी नर सदा सुखी। तो जीवन के अंदर इसी दिव्यता को लाने के लिए ये अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे भारत और विश्व में 140 देशों में काम करता है। हमारे जैसी 40,000 बहनें जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, विवेक भाई जैसे 10,000 भाइयों ने अपना जीवन समर्पित किया है और पूरे भारत में 5,500 ऐसी ब्रांचेस है जहां बहनें रह के सेवा देती है और 57,000 ब्रांचेस ऐसी हैं जो किसी के घर में चलती है,
अलग अलग विस्तार में और किसी के घर में आसपास के 15-20-25 लोग दिन में एक टाइम 1.5 घंटे का टाइम निकाल करके ये मेडिटेशन करती है और इस संस्था के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में धारण करती है। और कोई अच्छा काम करता है तो उसको करने देते नहीं है, ये दानव वृत्ति है। दानव से बढ़कर के थोड़ा ऊपर मानव वृत्ति है। मानव की मनोवृत्ति क्या है? मेरा वो मेरा, तेरा वो तेरा, स्वार्थ भाव। और मनुष्य अपने जीवन में जीवन भर लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो करने के बाद क्या होता है कि जो कुछ किया उसका वर्णन करते हैं, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए इतना किया, मैं जितना करता हूँ उतना तो आपके लिए कोई करेगा ही नहीं, ऐसा वर्णन करते। अब आप ऐसा वर्णन करेंगे, सामने वाला क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा? आपकी उस भाषा को अप्रिशिएट करेंगे, क्या कहेंगे? अगर ऐसा वर्णन करना था तो करते ही नहीं, ऐसे ही कहते थे, ऐसे सुनाना था तो उससे अच्छा करते ही नहीं। तो मानव उसको कहते हैं कि जो पूरी जिंदगी स्वार्थ में व्यतीत कर देते हैं, मैंपन और अभिमान में। उससे ऊपर है योगी। योगी किसको कहते हैं? जो कहते हैं ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये सब कुछ ऊपर वाले का है। और वो अपने जीवन में कितना भी बड़ा काम करेंगे उनको कभी अहम नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा। वो समझेंगे कि करने कराने वाला परमात्मा है, इस विश्व नाटक का डायरेक्टर है, हम सब एक्टर हैं, कलाकार हैं। ऐसी मनोवृत्ति वाले को योगी कहा जाता है। देवता किसको कहते हैं? जो देव वो देवता, देवता कहते तेरा भी तू रख, मेरा भी तू लेकर के खुश रहे। तो जो देने वाले हैं वो देवता है। और इसीलिए तो हम प्रकृति के तत्वों को भी देवता कहते हैं, सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता, धरती माता। आप सभी को हमने इसी दिल के प्यार से बुलाया है कि आपको आज परमात्मा ने बुलाया, अब तो ये आपका घर है। और अपने घर में फिर बार बार बुलाया नहीं जाता है, अपने घर में तो अपने आप आया जाता है। तो ये आपका घर है, आपका इस पर अधिकार है। आप परिवार, अपने मित्र वृंद, अपने प्रोफेशनल सर्कल सभी को यहाँ अपने साथ लेकर के आ सकते हैं, या जिस प्रकार से ये एक हमने कार्यक्रम आयोजन किया है, इस प्रकार के अपनी संस्था में कई कार्यक्रम हैं। युवाओं के लिए पॉजिटिव चेंज कोर्स का आयोजन करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यसन मुक्ति, ऐसे कई कार्यक्रम रखते हैं, सेमिनार, कल्चरल इवनिंग, कॉम्पिटिशन्स, कैंप्स। महिलाओं के लिए अपनी संस्था की 20 विंग्स हैं और हर विंग्स का अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है और हर विंग्स के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। मीडिया विंग, मेडिकल विंग, जूरिस्ट विंग, यूथ विंग, कल्चरल विंग, लीगल विंग, ऐसी 20 विंग्स हैं। तो आपको अपना
टाइम लेकर के इन बातों को अच्छी रीति समझने के लिए फिर से दिल से बहुत बहुत निमंत्रण देती हूँ। और फिर से हमारे राजेश भाई, अमी बहन और विवेक भाई को भी मैं थैंक्स करती हूँ। ओम शांति। आप सबको यहाँ अपने घर में बुलाने वाला सर्वशक्तिवान परमात्मा है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से या उनकी सीधे डायरेक्शन से यहाँ सारा कार्य चलता है। मैं पिछले 58 वर्ष से इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ और अपना जीवन सेवा में दिया है। तो यहाँ पर जो भी सेवा कार्य होता है उसके पीछे एक ही भावना बनी रहती है कि परमात्मा के हम सब बच्चे हैं और हम अपने असली स्वरूप को पहचान रहे हैं, जिसको दूसरे शब्दों में स्पिरिचुअल वेलबींग कहेंगे। हमारे यहाँ अमी बहन वैद्य और राजेश भाई वो कुछ समय से जुड़ करके आते हैं। मुझे ख्याल आया कि आप मीडिया में काम कर रहे हैं और मीडिया में काम करने वालों की एक छवि मेरे मन में ये है कि अगर वो इस बातों को समझ ले, इस कार्य को समझ ले, उससे जीवन को फायदा मिले, तो वो जितना न्याय दे सकते हैं वो संसार में सबसे बड़ा एक माध्यम हो सकता है कि जिनके द्वारा सही समाचार लोगों तक पहुंचे। इन्हीं भावना को दिल में रखते हुए मैंने विवेक भाई, राजेश भाई और अमी बहन जी को कहा कि आप हमारे मीडिया के अंदर काम करने वाले भाई बहनों के लिए कुछ एक ऐसा आयोजन करो जो वो अपने व्यस्त लाइफ से यहाँ थोड़े समय के लिए भी आ सके। पहले तो मैं विवेक भाई, राजेश भाई और अमी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके प्रयास से हमारी ये सभी बहुत मूल्यवान आत्माएं यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत सहर्ष दिल से स्वागत है। अपने लिए आप ताली बजाएंगे। चंद्रिका बहन ने कहा इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इसलिए रहा क्योंकि मीडिया हैज बीन मेरा, मैं 11 साल टाइम्स में और 3 साल उससे पहले दिव्य भास्कर, सो अराउंड 14-15 ईयर्स मीडिया का एक्सपीरियंस है। हालांकि मैं जर्नलिस्ट नहीं थी बट मेरा इवेंट का काम था। तो आप लोगों के लिए, मीडिया के लिए वही डिस्कशन हो रहा था कि टारगेट्स, डेडलाइंस और सब इतना मैंने सुना हुआ था। तो अगर मैं ये संस्था से अराउंड 4 या 5 ईयर्स से जुड़ी हूँ तो मेरे में जो चेंज आया वो मैंने शेयर किया जहाँ जहाँ चांस मिला। आई हैव मेरे जैसे पंकज जी भी मिले जो मेरे मतलब दिव्य भास्कर के टाइम से मेरे टाइम्स में से, भाविन था, मीरा बहन दिव्य भास्कर से, सो उन सबको देख के एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि सब आए। मैं तो ऐसे प्रोग्राम्स में डेफिनेटली, और आप सब नए जो भी लोग मिले तो डेफिनेटली अब मुझे जानना है कि आप लोगों को कैसा लगा। बट मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आई थिंक नीलेश भाई के साथ भी शेयर किया कि बहुत बहुत ईजी, जो हम बात करते हैं पावर कहाँ से आती है, वो अगर हम रोज, कोर्स तो एक ही वीक का है, कोर्स इतना कुछ है नहीं, 1 घंटा आना है, बट उसके बाद में जो हम डेली व्हेन यू कम टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस आप आते हैं, रोज मंदिर जाते हैं या जो भी होता है, तो मैं खाली रोज मेडिटेशन करने के मतलब रूम में आती हूँ, वैसा कुछ नहीं है कि कोई आपको स्पेसिफिक कराता है। आई जस्ट कम, बैठते हैं वहाँ के, बस खाली वाइब्रेशंस ले लो,
बट सच में ऐसा होता है, पूरे दिन जो दिमाग है वो टोटली टोटली शांत हो जाता है अगर आप चंद्रिका बहन के वाइब्रेशंस में बैठेंगे। कई बार ये भी रूम में होते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं बट एक वो ऑरा होता है, तो वो ऑरा अपने आप को मिल जाता है। जैसे हमने बात की कि अगर किसी का ऑरा है, इफ यू आर लिविंग दैट लाइफस्टाइल, तो वो मेरा है तो वो आप पे असर डालेगा। तो अगर मैं वो पावर ले रही हूँ तो मेरे फैमिली को हेल्प करता है, मैंने मेरे फैमिली में चेंजेस देखे हैं। आई वाज सेइंग इन माय फादर, इन माय ब्रदर, ऑब्वियसली चेंजेस ओवरनाइट नहीं आएंगे बट ग्रेजुअली उनके नेचर में उनकी वे ऑफ थिंकिंग बदलता है। तो मीडिया में जैसे अभी पंकज जी ने भी कहा, अब पंकज की डेडलाइंस क्या था वो बात, नौकरी बचानी है, दूसरों की नौकरी लेनी है। सो पंकज जी सेल्स मार्केटिंग में है, तो ये सारी चीजें मीडिया में है। तो डेफिनेटली अगर ऐसी कोई भी चीज आपको रोज मिलती है, इवन 15-20 मिनट्स में, ऐसा नहीं कि रोज में एक घंटा, कई बार नहीं आ पाती तो मैं 10 मिनट, बट आई स्टे, मतलब हर एक जगह पे सेंटर है घर के पास मेरे, आई स्टे 5 मिनट्स अवे, खाली 10 मिनट आ जाओ ना तो दिन का सारा जस्ट वेनिट, मतलब जो भी आपके दिन का वो रहता है, अब स्ट्रेस बोलो या जो भी आपकी हेक्टिक शेड्यूल बोलो, बट इतना तो आई थिंक सब निकाल सकते हैं। पहले हमें भी ऐसा लगता था कि कहाँ है रो, बट अगर वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे बोलते हैं एक्सपीरियंस मैजिक ऑफ मेडिटेशन, तो दैट रियली रियली चेंजेस द लाइफ। और मीडिया, आप लोग तो डेफिनेटली वॉइस ऑफ द कंट्री है, तो अगर आप वो एक्सपीरियंस करेंगे तो आप वो 10 और लोगों को बताएंगे, तो वो ऐसे ही मैसेज स्प्रेड होगा। और हम यहाँ पर एक ही चीज सीखते हैं, सबको प्यार दो, सबको रिस्पेक्ट दो। और मीडिया में अगर हम काम कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर भी वही चीज, किसी को भी गुस्सा मत करो। So, वही अगर हम चीज फॉलो करें अपने वर्किंग उसमें भी, तो डेफिनेटली मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। मैंने खुद देखे हैं, किए हैं, और इसके लिए अगर मैं यहाँ के सेशन का एक्सपीरियंस भी अगर मैं ना हो तो मीरा बे तमें अर्जुन रिसेंटली अपनी जर्नी पर वो इंटरेस्टिंग रही है, ये हार्ट पेशेंट है पर ऑलवेज तमे जुओ तो शी इज एवर, तो आई जस्ट वांटेड हर टू कम अने तमे तमारो एक्सपीरियंस भी को अहिया केवू रह्यो। नमस्कार, હાર્ટ પેશન્ટ તો હું હમણાં બની છું અને એ પણ મીડિયાની જ દેન છે અભિબેન, 20 વર્ષ મેં તમે ભાસ્કર સાથે વાત કરી એટલે લોહી પાણી એક કર્યા છે, એનું આ પરિણામ છે। એટ ધ એજ ઓફ 49 આઈ હેવ અ ફ્યુ બ્લોકેજીસ ઇન માય હાર્ટ, જેને ટીવીડી કહેવાય છે, 3 વેસલ્સ ડિસીઝ, જે હોવું ના જોઈએ। અને ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે તમારી એજ ભલે 49 હોય પણ તમારું હૃદય 75 યર્સ જીવી ચૂક્યું છે, એટલું તમે એનો યુઝ કરી દીધો છે। એટલે તમે જાણો છો અમીબેન કે મીડિયામાં રહેવું, હું પૂર્તિ વિભાગ સંભાળું છું, ધર્મદર્શન અને આજની રવિવારની પૂર્તિ મુખ્ય જવાબદારી હોય છે, અને સપ્તકનું ક્લાસિકલ જે શાસ્ત્રીય સંગીતનો મહોત્સવ થતો હોય છે એનું કવરેજ પણ મારી જવાબદારીમાં હતું। 15 વર્ષ મેં કર્યું પણ મારી હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખીને હમણાં એ મેં અવોર્ડ કર્યો છે। એટલે ડેડલાઇનમાં રહેવું અને બધું કરવું, મને આજે વાતાવરણ ખૂબ જુદું લાગ્યું છે। મેડિટેશન કરવાની મને થોડી ઘણી આદત તો છે એટલે, પણ એ રેગ્યુલરલી નથી થતી, તો અહીં આવીને મને એવું લાગે છે કે અહીં હું રેગ્યુલર આવી શકીશ એવા મને પોઝિટિવ વાઇબ્સ મળ્યા છે, અને એનો ઉપયોગ હું મારા સારી રીતે હું કામ કરી શકું। મેં 2 મહિનાની રજા પછી હું ફરી પાછી ઓફિસમાં જોઈન થઈ છું, 5 માર્ચે મારી એન્જિયોગ્રાફી થઈ હતી અને બાયપાસ કરવાની મને સલાહ આપવામાં આવી હતી, હાઈ રિસ્ક બાયપાસ હતું જે મેં એવોઈડ કર્યો છે અત્યાર સુધી, અને ડૉક્ટર અનિલ જૈન સરથી માંડીને તમામ લોકો એવું માની રહ્યા છે કે આ એક મિરેકલ છે કે જો હું ચાલી શકું છું અત્યારે, શ્વાસ લઈ શકું છું વિથઆઉટ એની કોમ્પ્લિકેશન્સ, હું
જોબ કરી શકું છું, રોજના 30 પગથિયાની ચડતર કરી શકું છું. હું મંત્ર શક્તિમાં માનું છું એટલે આદિત્ય હૃદય સ્તોત્ર, શંકરાચાર્યજીની બ્રહ્મ જ્ઞાનાવલી, નિર્વાણ શટકમ, આ બધું મારા મનમાં સતત ચાલતું રહે છે. કદાચ આ ઈશ્વરની એ સૌથી મોટો ચમત્કાર છે કે હું આ ધરતી પર હજી ચાલી રહી છું. એન્ડ આઈ હોપ, મેં હમણાં જ PhD જોઈન કર્યું છે, એન્જિયોગ્રાફી પછી મેં PhD એક્ઝામ આપી છે અને એ મેં ક્લિયર કર્યું છે એટલે મારું PhD રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. અને હું પણ સનાતન ધર્મ માટે મારો ઉછેર ધાર્મિક વાતાવરણમાં થયો છે. બહુ બધા સબ્જેક્ટ હતા, મીડિયાનું પણ આટલું મારો વર્ક એક્સપિરિયન્સ હતો, પણ મેં આદિ શંકરાચાર્ય પર પસંદગી ઉતારી છે અને એના ઉપર મારું રિસર્ચ વર્ક રિસેન્ટલી ચાલુ થયું છે જુલાઈ મહિનાથી. તો હું એવું માનું છું કે શંકરાચાર્યજીના કોઈ આશીર્વાદ હશે કે જે મને જીવાડી ગયું છે અને મારી પાસે કંઈક સારું કામ કરાવવાનું નક્કી કર્યું હશે. તો અને એ જ સારા કામના ભાગરૂપે આજે હું અહીંયા આવી છું. અધરવાઇઝ રવિવારે 10 વાગે ઉઠવું એ મારા માટે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં જવાનું હોય તો એ પોસિબલ નથી હોતું, કારણ કે મને મોડે સુધી મારી આદત છે કે હું મોડે સુધી વાંચતી હોઉં અને પછી મોડેથી સુતી હોઉં એટલે મારું શેડ્યુલ આખું બહુ મોડું શરૂ થાય છે. પણ અમીબેન, થેન્ક યુ સો મચ, તમે આવા કાર્યક્રમો વારંવાર ઓર્ગેનાઇઝ કરજો, અમને બોલાવજો, અમે જાતે તો આવીશું પણ જાતે ના આવી શકે તો અમી બેને મને 3 વાર રિમાઇન્ડ કર્યું તમે આવો છો, તમે આવો છો. તો મને થયું કે આ તમે જે ફીલ કરી રહ્યા છો મારે ફીલ ગુડ કરવું છે. તો ખરેખર અહીંયા પોઝિટિવ વાઇબ્સ બહુ છે, હું જાતે આવવાનો જરૂરથી પ્રયત્ન કરીશ. અને તમે પણ જ્યારે બી આવું ઓર્ગેનાઇઝ કરશો, દિવ્ય ભાસ્કરની જરૂર પડે હું દિવ્ય ભાસ્કરને પણ કહીશ કે અમારા આચારથી કશું કંઈ પોઝિટિવલી મીડિયા માટે તમે કશું કરી શકો તો એ મારો પ્રયત્ન રહેશે. થેન્ક યુ સો મચ તમારા બધાનો, મારા પોતાના તરફથી પણ અને મારી સાથે જે સહયોગમાં છે એમના તરફથી પણ આભાર માનું છું. હવે એક નાની વાત કહીશ કે તમે લોકો ચોથી જાગીર છો, ચોથી જાગીર એટલે આ જે ઇમારત છે ઇમારતનો એક મજબૂતમાં મજબૂત પાયો, બીજા પાયાનું જે થવું એ થાય પણ આ પાયો ક્યારે પણ હચમચવો ના જોઈએ. મીડિયાની શરૂઆતથી નારદ મુનિથી ઉપર એક સમાચાર અહીંથી ત્યાં, પણ એમનો આશય શું હતો કે ક્યાંક અનિષ્ટ થવાનું હોય તો ભગવાનની ત્યાં લીલા થાય, ત્યાં જાગૃત કરીને ત્યાં તે લીલા થઈને ભલું થાય, એ કામ તમે કરો છો અને કરવાનું છે. અને આ સંસ્થા વિશે એટલું કહીશ કે અહીંયા મેં એક જ જોયું છે કે આપણને સમાજની અંદર આપણા પરિવારથી લઈને મિત્રોથી લઈને બધી જગ્યાએ માન અપમાન બધું સહન કરવું પડ્યું છે, પણ અહીંયા આપણને રિસ્પેક્ટ, તમને માન એટલું મળે છે, તમને એવું લાગે કે આવું માન મને બધી જગ્યાએ બી મળવું જોઈએ. અને ધીમે ધીમે તમારી મેન્ટાલિટી પણ ચેન્જ થાય છે અને તમે પણ લોકોને સન્માન આપવા માગો છો અને માન અને સન્માન એકબીજાની આપ લે કરવાની હોય છે. અને બીજું તો નથી કહેતો, આ એક જે કન્સેપ્ટ કર્યો છે કે જેમાં હું મીડિયાને કહું છું, તમે દોડાદોડ કરો છો આખો દિવસ, અડધી રાત્રે બી કોઈ બોલાવે તો તમે જાઓ છો, પણ આવી જગ્યાએ આવીને યુ ટેક અ બ્રેક, એક પોતાની માટે બી સમય આપો, પોતાની માટે બી કંઈક કરો અને પોતે સ્વસ્થ રહેશો અને સારી રીતે માનસિક શાંતિ અનુભવશો તો બીજા કાર્યો બી તમારા માટે, સમાજ માટે અને પરિવાર માટે કરી શકશો. તો આવા કાર્યક્રમમાં આપ આવ્યા છો, ફરીથી આવશો અને આપણા પરિવારને લઈને ગમે ત્યારે પણ અહીં આવી શકો, કારણ કે પિયરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સ્ત્રી હોય ગમે ત્યારે જઈ શકે, મા બાપના ઘરે કોઈ પણ બાળક ગમે ત્યારે જઈ શકે, એવી રીતે પરમાત્માનું જ્યાં પણ સ્થાનક હોય, જ્યાં પણ ઘર હોય ત્યાં કોઈ આમંત્રણની જરૂર નથી. તો આપ આવ્યા છો એની માટે આભાર અને આવતા રહેશો એવી મારી આશા. તો હે ને પ્લીઝ ક્રાઇટેરિયા બેઠા દિયા હૈ તો મેં સોચા ચલો અપન ભી આજ જીવન બન જાતે હૈ સબકે સાથ ચલતે હૈ તો કુછ નહીં મિત્ર હોગા ઇન્હોને અચ્છી બાતે બતાઈ ઓર જૈસે હમ લોગ મીડિયા સે હમ હર ચીજ એસે ઇઝીલી માંગ નહીં લેતે હૈ તો કહીં કે ફિલ્ટર તો રહેતા હી હૈ
मतलब हमारे मीडिया के बीच से अगर अभी को देखा, इतना कुछ हाल देखा, इतनी अच्छी बातें सुनी, तो लग रहा कि हाँ तो कुछ है, ऑथेंटिक लगता है। तो है अम्मी ने बुलाया हमें, वो लग रहा कुछ अच्छा होगा, तो अब आगे देखें क्या होता है और आगे भी हम लोग इस तरह से आते रहेंगे। हमें धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम आभार की भार की विधि को उठाएंगे, बाद में हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद